अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वीडियो एडिटिंग के लिए हमें क्या टूल चाहिए, इनको हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो में एडिटिंग किस तरह से होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले जो है हमें चाहिए होता है कि हम अपनी जो वॉइस होती है जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमें HD वीडियो कन्वर्टर चाहिए होता है। जैसे कि इस शेप में आप देखते हैं, इसमें हमें MP3 हमारी वॉइस को हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरे पास डाउनलोड है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से डाउनलोड होगा। आपने जाना है गूगल पे और लिखना है HD कन्वर्टर। जैसे ही आप यहाँ गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें HD वीडियो कन्वर्टर फैक्ट्रीज पे आप क्लिक कर दें और यहाँ से डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पे आप इसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसलिए मैं अगेन नहीं करूंगी। इसके बाद जो है सेकेंडली, आप देखें ये इस तरह से डाउनलोड है। इसके बाद सेकेंडली हमें चाहिए होता है ऑडास्टी। तो इसको देखें, ये मेरे पास डाउनलोड है, इसको मैंने भी नेट से डाउनलोड किया है। इसमें जो है हम अपनी आवाज को क्लियर करते हैं, आप गूगल पे चले जाएं और यहाँ पे ऑडास्टी डाउनलोड आप मेंशन करें तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड का। तो आप इस डाउनलोड को पे जो है क्लिक कर दीजिए और इस पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ऑडास्टी फॉर विंडोज, आप इस पे क्लिक कर लें, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर थर्ड हमने करना है VSDC। VSDC में देखें, आप यहाँ पर लिखें नेट पर फ्री एडिटर और डाउनलोड, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा वीडियो एडिटर का। आपने ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वीडियो एडिटर पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है सिंपल आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड वीडियो एडिटर को क्लिक कर देना है 64 वर्जन पे। आप इसको क्लिक करके अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखें हम HD कन्वर्टर वीडियो में हम किस तरह से एडिट करते हैं कि हमने अपनी सबसे पहले वॉइस इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। अब ऐड फाइल के जरिए भी ला सकते हैं और डायरेक्ट भी। यहाँ से हमने इसको रन करना होता है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो ये जो मेरी वॉइस है MP3 में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि ये कन्वर्ट हो चुकी है, सेकेंडों में हो जाती है। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ और आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो मेरी वॉइस थी ये देखें यहाँ पर MP3 फाइल इसकी बन चुकी है। अब सेकेंड काम हमारा होता है ऑडास्टी का, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारी वॉइस में जितना भी शोर शराबा होता है हम इसको इससे क्लियर करते हैं। तो हम पहले ओपन कर लेते हैं फाइल पे जाके जो भी अभी हमने MP3 में कन्वर्ट की है वो फाइल। ये हमारी MP3 की कन्वर्ट फाइल है, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा माइक चेक हो रहा है कि इस माइक से जो आवाज है वो हमने क्या करना है, इसका जो शोर है हमने इसको सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले ये देखें ऊपर अफेक्ट है, अफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है नॉइस रिडक्शन पे। नॉइस रिडक्शन पे जाने के बाद आप गेट नॉइस पे एक दफा आप प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। इससे ये जितना भी इस वीडियो में वॉइस में शोर होगा ये इसको कैच कर लेगा प्रोफाइल को। फिर आपने सेलेक्ट, ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर दोबारा से आप इफेक्ट में जाइए और आप नॉइस रिडक्शन पे क्लिक कर दें। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इसकी देखें ये लाइन जो है आपकी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। हमें ये 2 टाइम करना होता है। हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमारी पूरी वीडियो में ये लाइन जो है बिल्कुल बारीक हो गई जहां जहां गैप होता है। तो अब हम इसको एक बार और कर लेते हैं सिलेक्ट और दोबारा से हम यही प्रोसेस करेंगे कि नॉइस रिडक्शन में जाएंगे, गेट नॉइस प्रोफाइल कर लेंगे और फिर सेलेक्ट ऑल करके दोबारा से हम नॉइस रिडक्शन पे जाएंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ओके हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा माइक चेक हो रहा है कि इस माइक से जो आवाज है वो किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। अब इसको मैंने स्टॉप कर दिया, आप देखें इसको मैंने जब स्टॉप कर दिया है ये हमारा क्लियर हो गया, यानी कि हमारी वॉइस जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब हमने जो दूसरा काम करना है इफेक्ट में जाना है, फिल्टर कर्व पे जाना है। फिल्टर कर्व पे आप जाएंगे तो ये देखें इसकी सेटिंग इस तरीके से है। ये मैंने आपको जो है दिखा दिया स्क्रीनशॉट के जरिए भी कि इस तरह से इसकी सेटिंग होनी चाहिए। बस आपने सिंपली फिर कुछ नहीं करना है, आपने इस फिल्टर कर्व को बने हुए को आपने ओके कर देना है। इसकी इससे आपकी आवाज की जो होती है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद आपने इफेक्ट में जाना है, दोबारा से आपने नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना है। नॉर्मलाइज में देख लें आप, ये 2 चेक लगे हुए हैं, थर्ड पे चेक नहीं लगाना आपने और ये 0.0 dB हुआ हुआ है यही करना है आपने, ठीक है।
इसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो देखें आपकी वॉइस चेंज हो गई है। अब हम इसको सेलेक्ट ऑल करके सुन लेते हैं। ये मैंने इसको देखें अब स्टॉप कर दिया। अब इसको मैं सेव करूंगी, एक्सपोर्ट पे जाऊंगी और एक्सपोर्ट के बाद MP3 में मैं इसको सेव कर लूंगी। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं इसका, जैसे मैं इसका कुछ भी नाम दे देती हूँ कि न्यू वॉइस रिकॉर्ड, और मैं इसको डेस्कटॉप पे अपने पास सेव कर लेती हूँ। यहाँ से मैं ओके करूंगी तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब VSDC को मैं ओपन कर लूंगी, थर्ड जो हमारा एडिटिंग के लिए है। VSDC में देखें जब आप खोलेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको अपग्रेड नहीं करना, आपने बंद कर दें, कैंसिल कर देंगे तो हमारे सामने ये इस तरह से VSDC को ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले देखें VSDC में काफी ऑप्शन होते हैं। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि इसमें हम वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखें प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट पे चले जाएं। इसको आप सेव भी कर लेंगे ना जो काम करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। अब न्यू प्रोजेक्ट में आप देखेंगे आप इसको नाम चेंज कर लें, चाहे प्रोजेक्ट 2 लिखा है तो यही लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना नाम चेंज कर ले, जैसे मैं अपना नाम माही वीडियो कर देती हूँ। रेजोल्यूशन इसकी आपने 1280x720 ही रखनी है, ठीक है, वो आपने नहीं छेड़नी है। उसके बाद जो है जो सेटिंग हुई हुई है आपने बिल्कुल उसको नहीं करना। नीचे अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद आप इसको फिनिश कर दें। फिनिश करेंगे तो आपसे ये बोलेगा कि कौन सी वीडियो यहाँ से आपको इसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से कैंसिल करके यहाँ से भी कैंसिल कर देती हूँ। अब हम जाएंगे ऐड में। ऐड में जाने के बाद ये आप देख रहे हैं प्लस का आइकॉन, यहाँ पे हमें वीडियो लानी है तो हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपकी सेव वीडियो होगी, जैसे मेरी ये वीडियो है प्रोजेक्ट 2, मैं इसको यहाँ पे ओके कर लेती हूँ। और यहाँ से जस्ट ये देखें आपके पास ये पूछेगा, आप इसको सिर्फ और सिर्फ ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपकी ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी वीडियो आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी आपसे पूछ रहे हैं, तो ये 720 हुई भी आपको क्लिक करके इसको 1080 कर देना है। ये काम हो गया। इस तरीके से आपने अपनी वीडियो ऐड कर दी VSDC में। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस, जैसे कि मैंने जो अभी अपनी वॉइस जो है वो आपके सामने ऑडासिटी में क्लियर की थी, तो मैं उसी को ऑडियो पे चले जाऊंगी, ठीक है। इस तरह से आप वीडियो ऐड करेंगे। ऑडियो ऐड करनी है तो जो भी हमारी ये ऑडियो है जहां भी आपने रखी हो वो आप उसको ओपन करें, उसी तरीके से यहाँ पे ओके करेंगे तो आपकी ऑडियो आ जाएगी। अब आप इसको माउस की मदद से नीचे लेके आ जाइए, ठीक है। तो ये आपकी ऑडियो भी आ गई है। और उसके बाद जो है अगर आपने कोई पिक्चर लेकर आनी है, इमेज पे जाएंगे तो पिक्चर लेकर आनी होगी, तो सेम तरीकेकार इसका यही है कि जिस तरह आप वीडियो लाए ऑडियो लाए हैं, इसी तरीके से ऐड ऑब्जेक्ट पे आप लेकर आ जाएंगे, इमेज पे जाएंगे। और कोई भी इमेज अगर आपने लेकर आनी है, जैसे मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इस तरीके से इमेज भी ला सकते हैं। आप इसमें आपने देखा कि इसकी आवाज जो है वीडियो में भी ऑडियो में भी, तो मैंने राइट क्लिक किया वीडियो के ऊपर और ऑडियो में जाने के बाद इसको हमने यहाँ देखें साइलेंट का ऑप्शन आ रहा है, जिसको मैंने साइलेंट कर दिया। साइलेंट करके मैंने इसको बिल्कुल ओके कर दिया। ये हमारी वॉइस जो है वो साइलेंट हो चुकी है अब, यानी कि मेरी वीडियो की वॉइस नहीं होगी, सिर्फ मेरी ऑडियो की आवाज ही इसके अंदर होगी। अब इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, इसको आप जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको 100 पे ही रखेंगे। और उसके बाद जो है अब मैंने आपको ये बता दी VSDC में काफी ऑप्शन है, तो यानी कि इसकी आवाज देखें आपने साइलेंट कर दी है, और इसकी आवाज आपकी डबल क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं, इसकी आवाज हमारी साइलेंट नहीं है। और अब हम इसको प्ले करके भी देख लेंगे कि हमारी किस तरह से प्ले होती है, ठीक है। हम यहाँ से प्ले करेंगे तो हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी चलना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं VSDC में जो कि हम सीख सकते हैं वन बाय वन, जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूंगी। अभी हम इसको सेव किस तरह करेंगे वो बता देती हूँ। आप एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे जाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि ये आपकी सी ड्राइव में सेव हो रही है। अगर आपने कहीं और स्पेस में रखनी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो आप इसको अपने नाम को चेंज कर लें जो आपकी वीडियो है। तो मैं इसी MK वीडियो के नाम से सेव कर लेती हूँ। उसके बाद जब आपने यहाँ पर सेव कर लिया है, तो सेव करने के बाद सिंपली अब आप इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें आपके पास वीडियो सेव होना शुरू हो गई है। डेस्कटॉप पे आपने जिस नाम से सेव की है वो आपकी डेस्कटॉप पे होगी। अगर आप नाम नहीं चेंज करेंगे तो सी ड्राइव में चली जाएगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये टाइम लेती है, जितनी लंबी वीडियो होगी उस हिसाब से ये जो है आपको सेव होती हुई नजर आएगी। तो आज जो है हमने ये देखा, ये देखें हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट जैसी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का इंटरफेस शो होता है। ये देखें आपके पास ये कन्वर्जन जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से बस इसको ओके कर देंगे। हमारे डेस्कटॉप पे ये सेव हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं।
अब ये देखें कि हम बहुत आसानी के साथ जो है VSDC में वीडियो ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, और इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको वन बाय वन इसके सारे फंक्शन मैं बताती रहूंगी, तो कि किस तरह से कौन से टूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने जो सीखा है वो सिर्फ इतना सीखा है कि हम वीडियो या कोई भी चीज़ इसमें ऐड किस तरह कर सकते हैं, और जब हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है हम इसको सेव किस तरह करेंगे। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, और तीनों टूल जो मैंने आपको बताए हैं, डाउनलोड का तरीका भी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं, आप वहां से भी उसको ले सकते हैं। तो सिंपली जो है आप अपनी वॉइस को MP3 कीजिए, उसके बाद आप अपना जो है ऑडासिटी से जो है अपनी आवाज़ को क्लियर कीजिए, और फिर आप VSDC में अपनी वॉइस, अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।